राम राम दोस्तों। तो देखिए इसका चोइटा हमने छोड़ा दिया है, तो हम आपको एक ही मछली साफ करके दिखा रहे हैं, बाकी का हम साफ कर देंगे बाद। इसका ये काट लेंगे रगड़ने के बाद। हम ये यहाँ से पेट फाड़ के इसमें का सब आंत गंदगी निकाल देंगे। तो ये धो बना दिए, अब इसी तरह सब बना लेंगे। तेल में है सूखी मिर्च है, राई है काला वाला बड़ा दाना, और ये जीरा है और गुल मिर्च है, लहसुन है, तो यही सब हम पीसेंगे। ये देखिए सब पिसा गया है, अनुसार नमक मिलाएंगे अच्छे से। हम मिला लेंगे इसको बढ़िया से एकदम। देखिए इसमें अच्छे से मिला दिए हैं लेंगे, और तेल को हम चारों तरफ तेल को फैला लेंगे। तो देखिए अब इसको पलट लेते हैं। दूसरे तरफ भी हम तेल डाल लेंगे थोड़ा सा। देखिए एक पक गया, इसको अच्छे से उलट उलट के पूरा लाल कर लिए। देखिए इसी तरह वो भी हम बना लेंगे। ये दाल चावल के साथ है, देखिए ये दाल है चावल है, और मछली तल दिए इसके साथ बना दिए मछली, और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है दाल चावल के साथ। तो इसी तरह अपने घर में बनाइएगा। और देखिए ये जो मुंडी है ये लोग खाते नहीं हैं, तला हुआ का जो बड़ा बड़ा रहता है, तो इसको हम क्या करेंगे कि अभी शुरुआत में इसको पका के आपको दिखाते हैं वो कैसे खाया जाता है। कि चारों मछली का मुंडी हमने ये जूस में डाल दिए, तो देखिए इसको हम 2-3 मिनट इस जूस में पका देंगे। तब पकाने के बाद तब इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इसकी तलने पे ये अंदर का पकता नहीं है, इसमें तेल मसाला घुसता नहीं है, ये बड़ा बड़ा है, और छोटा छोटा मछली जो रहता है चिल्हवा तो उसमें हो जाता है। तो ये अब इसको हम 2-4 मिनट पका लेंगे, तो ये अच्छे से एकदम घुल जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो देखिए ये भी तैयार हो गया है। तो इनका मुंडी हमने निकाल दिया था, ये पहले मुंडी वाला आपको दिखाए, अब निकाल के इसमें पका दिए, तभी अच्छे से खा लेंगे हम लोग, अन्य तो ऐसे हम लोग फेंक देते हैं नहीं खा पाते हैं। इसी तरह अपने घर में बना के खाइएगा, मुंडी को फेंकिएगा मत, मुंडी में बहुत विटामिन